नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, सतीश मिश्रा के बेटे की सियासत में लॉन्चिंग हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बहुजन समाज पार्टी के मंच पर कपिल मिश्रा की एंट्री हुई है। कपिल मिश्रा ने बुआ के लिए वोट मांगे हैं, बोले मायावती का भतीजा हूं, यही काफी है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा के बेटे हैं कपिल मिश्रा। तो पहले सतीश मिश्रा की पत्नी और उसके बाद अब सतीश मिश्रा के बेटे की एंट्री। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की, कपिल मिश्रा मंच पर दिखाई दिए, संबोधित करते हुए बोले कि मायावती का भतीजा हूं, बस यही काफी है। बीएसपी के मंच पर कपिल मिश्रा की एंट्री हुई है। तो कपिल मिश्रा ने बुआ के लिए वोट मांगे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगते हुए कपिल मिश्रा ने कहा कि मायावती का भतीजा हूं, बस यही काफी है। तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन, और इन आयोजनों में पहले ही हम देख चुके हैं सतीश मिश्रा की पत्नी भी एक कार्यक्रम में पहुंची थी। और अब ये तस्वीरें देखिए, जहां पर कपिल मिश्रा, सतीश मिश्रा के बेटे, उनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कपिल मिश्रा की मौजूदगी, और यहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मायावती का भतीजा हूं, बस यही काफी है। तो साथ ही साथ बीएसपी के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में इन दिनों कोरोना से बड़ा संकट डेंगू बनता हुआ जा रहा है और प्रदेश कोरोना मुक्त हो रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में डेंगू बुखार का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। चाहे वो मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर के बाद अब लखनऊ, कानपुर में भी डेंगू अपने पैर पसार रहा है। और इस बुखार से फिरोजाबाद में अब तक 50, मथुरा में 12 मौत हुई है। कानपुर में वायरल फीवर की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की भी मौत होने की खबर मिल रही है। इस बुखार से सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। पिछले 2 दिनों में सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए हैं, जिनमें काफी संख्या बच्चों की है। उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर और डेंगू और वायरल बुखार दस्तक दे चुका है। फिरोजाबाद की तस्वीर, सबसे ज्यादा मौतें यहां पर हुई हैं फिरोजाबाद के इलाके में। और अभी हालात अस्पतालों के यह है कि एक एक बेड पर 2-2 बच्चों का, 3-3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं। उधर उन्नाव, मथुरा और गोंडा की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि प्रशासन लगातार जुटा हुआ है इस बात को लेकर के कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। तमाम चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां कहीं भी बरसाती पानी इकट्ठा हो, उसको सबसे पहले जो है निकाला जाए, हटाया जाए, और साथ ही साथ मच्छरों से भी बचाव करने की जरूरत है। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन स्थितियां फिर भी, उसके बावजूद भी रोजाना जो मरीज आ रहे हैं उनमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मथुरा, गोंडा, उन्नाव, फिरोजाबाद, तमाम जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिरोजाबाद के इलाके में 75 से ज्यादा मौतें हुई हैं, और यूपी में डेंगू और वायरल का कहर इस कदर हावी होता जा रहा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। फिरोजाबाद में 100 बेड का अलग से व्यवस्था की गई है। उधर बरेली में डेंगू और वायरल फीवर का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इसे लेकर आज डीएम बरेली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डेंगू से निपटने के लिए अपने प्लान को मीडिया से साझा किया है। डीएम की माने तो ग्रामीण इलाकों में हर पंचायत पर नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं इसके अलावा बुखार के मरीजों के लिए हर CSC और PSC में फीवर डेस्क बनाया गया है। डीएम के मुताबिक जिले में मलेरिया के 1415 मरीज मिले हैं। और इसके अलावा डीएम ने शहर की साफ सफाई करवाने पर भी जोर दिया है। बरेली में डेंगू की रोकथाम के लिए डीएम ने प्लान बनाया है, और उस प्लान को मीडिया के सामने साझा किया। किस तरीके से अब CSC PSC पर भी फीवर डेस्क बनाई गई है, और जहां पर बुखार से आने वाले मरीजों को अलग से देखा जाएगा। तमाम जगह जहां पर गंदगी है उसे तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कि हम लोगों ने ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा था, हम लोगों ने एक विस्तृत कार्य योजना के माध्यम से इसमें प्रशासन के नोडल अधिकारी हम लोगों ने नियुक्त किए हैं, जो न्याय पंचायत लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में वार्ड वाइज इसको हम लोग देख रहे हैं। तो सभी प्रशासनिक नोडल अधिकारी संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए
सफाई का अभियान संचालित करेंगे और डेंगू के केसेस अगर कहीं आते हैं तो उसको तत्काल कंटेन किया जाएगा। इसमें हम लोग कोविड कंट्रोल रूम है उसको महत्वपूर्ण एक नोडल के रूप में हम देख रहे हैं कि हमारा 24/7 का कोविड कंट्रोल रूम है, उसके माध्यम से कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल हमारे डॉक्टर्स की टीम संबंधित गांव, नगर पंचायत क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम में जाएगी और तुरंत हम लोग प्रभावी कार्रवाई करेंगे। तो बरेली की तस्वीरें हैं जहां पर जिलाधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि कैसे चिकित्सा विभाग और प्रशासन इससे निपटे, इसको लेकर के अस्पतालों में अलग से फीवर डेस्क की स्थापना की गई है। और आपको बता दें कि लगातार यहां पर इस तरीके के मामले जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, चिंता की बात यह है कि अब लगातार प्रशासन जुटा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डीएम की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि सीएससी और पीएससी लेवल पर फीवर डेस्क बनाई गई है कि यानी कि बुखार से जो मरीज ग्रसित हैं आ रहे हैं उनको अलग से ओपीडी में देखा जा रहा है। तमाम लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, खासतौर पर जहां पर गंदा पानी इकट्ठा है उसको हटाएं, कहीं पर भी पानी और गंदगी नहीं होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें और अपने घर में जो मच्छर आ रहे हैं, मच्छर अगर आसपास पैदा हो रहे हैं तो उसका भी इलाज किया जाए। लोगों को भी लगातार जागरूक इसे लेकर के किया जा रहा है। बरेली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएम ने तमाम जानकारी दी है। वहीं वाराणसी में बाढ़ के बाद अब डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। बाढ़ की विभीषिका झेलने के बाद अब डेंगू और मलेरिया के संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर आ गया है। यहां पर डेंगू के लिए अलग से 21 बेड का वार्ड बनाया गया है जहां पर भर्ती 8 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीरें वाराणसी की तस्वीरें जहां पर लगातार बीमार बच्चे पहुंच रहे हैं अस्पताल। ऐसा है कि इस समय जो कि बरसात का समय है और इसमें ऐसे माने मौसमी बुखार इसे कहते हैं होता है, लेकिन जितने बुखार हैं सारे कोई डेंगू नहीं है। बुखार जो है बहुत तरह के होते हैं, जैसे बहुत से ऐसे बुखार हैं जो कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो उनको वो डेंगू नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ऐसे लोगों को जिनको कि हाई ग्रेड फीवर हो, सिर में दर्द हो, उल्टी सा हो, तो जब उनके जांच होती है और जांच में यदि जो है डेंगू पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम लोग डेंगू कहते हैं। और जांच में भी जो है दो तरह की जांच होती है, एक किट की जांच होती है, तो बहुत से ऐसे भी जाँचें जैसे किट से डेंगू निकल गया लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, जब उसको कंफर्म टेस्ट कराया जाता है एलाइजा से पता चला कि वो डेंगू पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, कोई अफरा तफरी की बात नहीं है। बनारस में भी डेंगू ने अपने पांव पसार दिए हैं। अभी मैं बनारस के श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में हूँ। आप देखिए मेरे पीछे डेंगू वार्ड है। आपको बताते चले कि यहाँ पे 21 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। अभी मैं जिस वार्ड में आया हूँ यहाँ 8 बेड का है, यहाँ पे 9 बेड का है जिसमें से एक पेशेंट को कल डिस्चार्ज किया गया है। और वर्तमान की बात करें तो 8 जो डेंगू के पेशेंट अभी एडमिट हैं और जो है उनका समुचित इलाज चल रहा है। अभी निरीक्षण करने अपर निदेशक स्वास्थ्य यहाँ पे आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण करके गए और आवश्यक जो भी दिशा निर्देश थे यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर रहे होंगे या जो भी नर्सेस थी उनको आवश्यक दिशा निर्देश देके वो अभी गए हैं। यहाँ पे कुछ परिजन हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। आप डेंगू हुआ आपके बच्चे को? जी। कितने दिन से भर्ती है? वेडनेसडे से। अगर सुविधाओं की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें तो प्रॉपर सब चल रहा है? ठीक है सर, सब ठीक ठाक है। जी जी। प्लेटलेट्स वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ी? नहीं, अभी तो नहीं पड़ी है। डॉक्टर साहब कहेंगे जब जरूरत होगा तो हो जाएगा व्यवस्था, तो अभी तो जरूरत नहीं है। देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत काबिले तारीफ बात है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य की वो बहुत अच्छी देखने में आ रही हैं। कुछ और भी मरीज हैं बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनुपमा द्विवेदी। अनुपमा जी, कब से भर्ती हैं? परसों से भर्ती हैं। कोई दिक्कत परेशानी? समुचित इलाज चल रहा है? डॉक्टर्स आ रहे हैं, नर्सेज आ रही हैं? अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 8 पेशेंट अभी भर्ती हैं। जैसा मैंने बताया कि 9 यहाँ पे भर्ती थे, अपर निदेशक ने बताया, कल एक डिस्चार्ज हुआ है। वर्तमान की बात करें तो 8 जो मरीज हैं वो भर्ती हैं और मरीज के परिजन भी इस वार्ड में हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं वो संतोषप्रद कही जा सकती है, क्योंकि जो भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं बराबर वो आ रहे हैं और निरीक्षण करके
यहाँ के जो भी जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं उनको उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं और कोई भी कोताही बरतने के लिए जो है एकदम हिदायत दी जा रही, कोई भी कोताही न बरती जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो वहीं प्रदेश में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के गोंडा जिले में इस वक्त डेंगू के 3 मरीज मिले हैं और जिले में 4000 के करीब वायरल बुखार के मरीज हैं। सभी का स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में इलाज चल रहा है। हर दिन मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू के कहर को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा इन इलाकों में फॉगिंग करवा रहा है और इसके साथ ही एक टीम भी घर घर जाकर मरीजों को दवा वितरित करेगी। वहीं गोंडा के सीएमओ भी जिले भर के सीएससी का जायजा ले रहे हैं। गोंडा की तस्वीरें तमाम जगहों पर वायरल फीवर और डेंगू के मरीज अब सामने आ रहे हैं और कैसे आखिरकार इस पर कंट्रोल किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती इस बार प्रशासन के सामने, चिकित्सा विभाग के सामने ये है। पहले कोरोना और कोरोना जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद अब मौसमी बीमारियों की दस्तक उत्तर प्रदेश में, और चूंकि लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गोंडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बुखार से ग्रसित मरीजों की संख्या 2000 से ज़्यादा यहाँ पर बताई गई है। चिकित्सा विभाग का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक, और अस्पतालों की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार मरीजों के पहुँचने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। चलिए गोंडा के बाद अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप इतना है कि लगातार अस्पतालों में बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं और यहां तक कि प्राइवेट अस्पताल भी अब पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। स्वशासकीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के 100 बेड का मात्र शिशु चिकित्सालय भी अब पूरी तरह से फुल हो गया है। गौरतलब है कि 100 बेड के अस्पताल में 400 के करीब बच्चे इस वक्त भर्ती हैं और स्थिति इतनी विकराल है, भयावह है कि एक बेड पर दो दो तीन तीन बच्चों को लिटा करके इलाज करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बच्चे इतनी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं कि सुविधा को देखते हुए अब नई बिल्डिंग में भी 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है और वो भी अब नाकाफी साबित हो रही है। आज नई बिल्डिंग में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड आ चुके हैं। माना यह जा रहा कि कल से इस बिल्डिंग में मरीजों को भर्ती किया जाएगा, लेकिन जिस तादाद से आ रहे हैं बच्चे और जो मरीज वो मुश्किल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से एक विज्ञप्ति भी जारी की गई और ये बताया गया कि 50 लोगों की मौत अब तक यहाँ पर हो चुकी है। तो लगातार बीमार बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भर्ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए फिरोजाबाद में अधिकारियों का आने का सिलसिला जारी है। आज प्रमुख सचिव भी फिरोजाबाद में हैं, 2 दिन तक यहाँ रुकेंगे और आज नोडल अधिकारी सुधीर एम बुबड़े भी आज आ चुके हैं जो 4 दिन तक यहाँ पर स्टे करेंगे और जाकर जांच करेंगे। अभी अस्पताल से 5 मिनट वो रुके हैं और अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया है, प्रिंसिपल से बात की है और 5 मिनट रुकने के बाद यहाँ से चले गए हैं। जहाँ पर जो इलाके हैं उनको दौरा करेंगे, वहाँ पर जानेंगे कि आखिर ये वायरल किस तरीके से फैल रहा है, क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसका कारण क्या है, इसकी जानकारी लेंगे। 4 दिन तक यहाँ पर नोडल अधिकारी रुकेंगे, उसके बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। मोहम्मद शाहिद, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कई जनपदों में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसे लेकर के सरकार बहुत गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही सभी जनपदों में नोडल अधिकारी समीक्षा बैठक के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और रायबरेली में भी नोडल अधिकारी कंचन वर्मा पहुंची और यहाँ ना सिर्फ समीक्षा बैठक की है बल्कि जिला अस्पताल में वार्डों का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने बताया कि डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों को लेकर के सरकार गंभीर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिलों के अधिकारियों के साथ ही नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वार्डों की साफ सफाई, मरीजों की देखभाल और उनका ठीक से इलाज किया जाए। तो रायबरेली की तस्वीरें, यहाँ पर भी लगातार ऐसे मरीजों का पहुंचना जारी, प्रशासन की सक्रियता भी देखने को मिल रही है। नोडल अधिकारी कंचन वर्मा यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गोंडा में बरसात के मौसम में बीच वायरल बुखार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर जिले में डेंगू ने दस्तक दे दी है और जांच के दौरान 3 मरीजों में डेंगू मिलने की पुष्टि हुई है। 3 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, यहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं वायरल बुखार की वजह से पीड़ित 50 से ज्यादा बच्चों का इलाज भी अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में चल रहा है। साथ ही हजारों की संख्या में बच्चे वायरल बुखार की चपेट में हैं इलाके में। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे जिले में 4 अगस्त को महीने में 4000 लोगों में वायरल बुखार की पुष्टि हुई है
और साथ ही इस रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। बुखार के मरीजों की जांच के लिए घर घर स्वास्थ्य टीम भेजने की तैयारी की जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा आंकड़े जारी किए हैं इसे लेकर के, और यह भी कहा कि अस्पतालों में पूरी तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं और सभी को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जिला चिकित्सालय गोंडा की स्थिति देखिए, 2799 ग्रसित रोगी बुखार से ये आंकड़ा जारी किया गया और बताया गया कि डेंगू के 3 मरीजों की यहाँ पर पुष्टि, और ज़िले में अगर हम बात करें गोंडा में तो 3 मरीजों की पुष्टि यहाँ पर डेंगू के हुई है। बुखार के मरीज जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बच्चे यहाँ पर हैं वो इस वक्त वायरल की चपेट में हैं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 990 बुखार से ग्रसित हैं। तो चलिए, इस वक्त यूपी में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि सूबे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झांसी में भी डेंगू और मलेरिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल में प्रशासन ने इसके लिए अलग से डेंगू वार्ड बनाया है जहां पर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और इलाज जो है वो सुचारू तरीके से हो सके इसको लेकर के नोडल अधिकारी लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। जिला चिकित्सालय झांसी की तस्वीर है, यहाँ पर भी ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे वो वायरल फीवर के मरीजों की संख्या हो, बुखार के मरीजों की संख्या हो, और साथ ही साथ जांच के बाद में कुछ डेंगू के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसे लेकर के भी चिकित्सा महकमा सतर्क बताया जा रहा है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है जहाँ पर डेंगू के मरीजों को एडमिट किया गया, उनका इलाज वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डेंगू वार्ड की तस्वीरें हैं। ओपीडी की बात करें तो ओपीडी में भी लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं। तो ये झांसी की तस्वीरें हैं जहां पर जिला अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार अब मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सभी को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। बाढ़ और जल भराव के बाद प्रदेश में डेंगू मलेरिया बुखारों के पेशेंट की लगातार वृद्धि हो रही है। झांसी में भी लगातार जिला अस्पताल में वायरल फीवर के पेशेंटों की लगातार जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं और अपना इलाज कर रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल में अलग से एक वार्ड बनाया है और इस वार्ड में डेंगू के पेशेंटों को रखा जा रहा है। यही एक कारण है कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं कि जो हर जिले में जाकर नोडल अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। ये नोडल अधिकारी सभी जिलों में 4 दिन तक ये पूरा निरीक्षण स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को और स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देशित करेंगे और डेंगू के महामारी और डेंगू के बुखार से बचाव के लिए जिला प्रशासन और लोगों को भी जागरूक करेंगे। तो वहीं यूपी में लगातार डेंगू के कहर के बढ़ने के बाद सरकार एक्शन में आ गई और प्रशासन ने सभी जिलों में डेंगू की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इटावा के नोडल कमिश्नर कानपुर को बनाया गया है और इसके चलते इटावा के स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद ने टीमें गठित कर दी है ताकि डेंगू की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा सके। उत्तर प्रदेश में डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, जहाँ एक तरफ आज 100 से ज्यादा केस पूरे उत्तर प्रदेश में है, उसको लेकर बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार ने नोडल नियुक्त किए हैं। सभी जनपदों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इटावा में भी कमिश्नर कानपुर को नोडल बनाया गया है, उसको लेकर बाकायदा नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की हैं। आप देख सकते हैं नगर पालिका में सुबह से ही गाड़ियां लगी हुई हैं, जिस तरह से सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बाकायदा इस पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ इटावा में डिप्टी CMO जो नोडल के मेंबर हैं और उनके साथ साथ यहाँ के नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह के इंतजाम कराए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिप्टी CMO से, जिस तरह से डेंगू तेजी से बढ़ रहा है तो क्या इंतजाम कराए जा रहे हैं? सर, हमारे यहाँ जो है पूरे जनपद को एंटी लार्वल उपलब्ध करा दिया गया है और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पूरे हमारी जो निगरानी समिति की टीमियाँ हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। वो घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही हैं कि उनके घरों में कहीं पानी का जलभराव तो नहीं है, कूलर में पानी अगर है कहीं तो जाके स्वयं खाली करवा रही हैं वो, और उनके घरों में देख रही हैं जहां भी पानी जमा हो सकता है
उन जगहों को चिन्हित करके लोगों को जागरूक कर रही हैं। और नगर पालिकाएं नगर पंचायतें यहां पर है तो उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको एंटी लार्वल उपलब्ध करा दिया गया है। जहां भी जल भराव है, नालियां हैं, उन सब जगह छिड़काव कराने की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका की तरफ से टीमें तैयार भी कर ली गई हैं और वो छिड़काव जारी है। मेरे साथ अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी है, मैं इनसे जानता हूँ कि किस तरह के इंतजाम नगर पालिका क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, चूंकि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर डेंगू का प्रकोप देखने को मिलता है। देखिए, इस महीने संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो चल रहा है नगर पालिका में, हमारे यहाँ टोटल 40 वार्ड हैं जिसमें हम लोगों ने सभी सुपरवाइजर के निर्देशन में एक टीम गठित कर दी है जिनके ऊपर नोडल के रूप में हमारे सारे सफाई इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, साथ में चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी ड्यूटी लगाई गई है। हर वार्ड में जितने भी नालियां हैं सबकी साफ सफाई और विशेष सफाई पे हम लोग ध्यान रख रहे हैं और जगह जगह एंटी लार्वा का जितने नाले हैं उनमें छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही जहाँ पानी का जमाव है उसका भी हम लोग इस समय ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि डेंगू का प्रकोप अलग जिलों में चल रहा है, विशेष नगर पालिका द्वारा इस समय विशेष सफाई अभियान और फॉगिंग की व्यवस्था, साथ ही साथ दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। ये अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी है जिनका कहना है कि शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से बाकायदा लोगों को अवेयर किया जा रहा है और टीमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाकायदा मूव की जा रही हैं, एक पूरे इस तरह से पूरे बाकायदा हर जगह टीम बना बना कर गलियों में जा रहे हैं और छिड़काव कर रहे हैं, लार्वा का छिड़काव कराते हुए जो कोरोना से जो डेंगू है डेंगू से बचने को लेकर सारे इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। उत्तर तो लगातार डेंगू और वायरल बुखार परेशानी का कारण बना हुआ है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरकार इससे कैसे निपटा जाए, इसे लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।